ओके दे नमस्ते आदा श्री ना होशिया संकल्प का स्वागत है आपका इस नए सेशन में क्या बोलता है पब्लिक कुछ नया सीखने को तैयार हो देन लेट द गेम बिगिन ओके एक बार फटाफट ऑडियो वीडियो का चेक करवा दो सही है सही जा रहे हैं अपन सुपर कूल सुपर ऑसम चलो डन सो नाउ गाइस आज स्टार्ट होने वाला है कुछ नया पता है आपको आज मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है एट योर इंटरमीडिएट एंड योर फाइनल लेवल आपने सही सुना पब्लिक सही सुना एकदम सही सुना फाइनल लेवल में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एंड दैट इज वॉट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रॉंग रॉन्गते खड़े हो जाते हैं इस टॉपिक को का नाम सुनते ही सर क्यों पहले आवाज आ रहे हो सर बता दो ना क्या है वो सो so, उस टॉपिक का नाम है कैपिटल बजटे जी हां दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट गारंटीड लिख के ले लो ऐसा इन राइटिंग लिख के ले लो दस से पंद्रह मार्क का इसमें से आना ही आना है मतलब सोचना भी मत कुछ और सो so, मिनिमम दस से पंद्रह मार्क का इस चैप्टर में से अस्योर्ड अस्योर्ड आना ही च, आना है सो so, क्या एग्जैक्टली exactly है इस चैप्टर में वो मैं आपको बताऊं बट उसके पहले कुछ और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं आज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या आपने इसके बारे में कुछ सुना है ऐसे तो मैथमेटिक्स आप लोग ने लिया होगा तो आपको पता ही होगा क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो मैं कैपिटल बजेटिंग को हटा देता हूं और मैं लिखता हूं आज का सेशन मेरा डेडिकेटेड है टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी ठीक है सो वेरी वेरी यूजफुल सेशन और फिर अगर अपने पास टाइम बचता है तो थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कैपिटल बजटिंग का एंड दैट्स हाउ वी विल कैन रोल फॉर टुडे नाउ व्हाट एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये मैं आप लोगों को पहले समझाना चाहता हूं एंड देन वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड भाई क्या पैसे का वैल्यू है हाँ है क्या पैसे का टाइम वैल्यू है ये मैं आप लोग को बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू यस yes, ये बात है उन दिनों की जब हमारे नाना जी जी हाँ पर लोग नहीं सिधारे थे मतलब नाना जी हमारे यहां पे ही थे उन दिनों की बात है ध्यान से सुनना ठीक है मेरे नाना जी ने ठीक है मेरी मम्मी को उस टाइम की बात है आज से प्रॉबली थर्टी फाइव बैक मम्मी को दिए उनकी शादी पे मम्मी को दिए उनकी शादी पे अ वन लैख जी हाँ नाना जी ने बोला <laughs> बेटा एक लाख रुपए दे रहा हूं तेरे को शादी पे कभी कोई भी तकलीफ आन पड़े तो ये एक लाख रुपए से तेरी तकलीफ दूर हो जाएगी मम्मी ने बोला ओके पापा 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 थैंक यू सो मच पापा आप मेरा इतना ध्यान रखते हो तो मेरी मम्मी ने बोला डन और मेरी मम्मी ने ये पैसे रख दिए तिजोरी में और अब मम्मी का बेटा बड़ा हो गया है और मम्मी को पूछा मैंने मम्मी आपको पापा ने क्या दिया आपको नाना जी ने क्या दिया तब मेरी शादी हो रही है तो मेरी शादी पे मेरे घर वाले मुझे कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। तो मेरी मम्मी मुझे बोल रही है बेटा ये ले एक लाख रुपए मैंने बोला मम्मी मम्मी ये एक लाख रूपये के है तो मम्मी ने मेरे को बोला कि ये एक लाख रुपए मैंने देखा यार बहुत पुराने वाले सौ रुपए के नोट थे और सौ रुपए के हजार नोट तो ऐसा बंडल था दस सौ का ऐसा दस बंडल थे एक सौ के बंडल में दस हजार ऐसे दस बंडल थे बोला वाह मम्मी थैंक यू सो मच मम्मी ने मुझे दे दिए एक लाख रुपए और बोला बेटा तेरे को पता है ये नाना जी ने मुझे दिए थे मेरी शादी पे आज मैं तुझे दे रही हूं तेरी शादी पे मैंने जैसे ही ये सुना मैं बोला मम्मी क्या 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 मम्मी ने बोला हाँ बेटा नाना जी ने मेरी शादी पे ये मुझे दिए थे कि बुरे वक्त में काम आएगा अपने को तो ऊपर वाले की दुआ से बुरा वक्त नहीं आया बट आज ये मैं तेरे को देना चाहती हूँ बोला, मम्मी, नाना जी ने आपको एक लाख रुपए दिए तीस पैंतीस साल पहले और आपने उसको तिजोरी में डाल के रखा मम्मी ने बोला हाँ बेटा देख कितना ध्यान रखा है मैंने नाना जी की अमानत का मैंने बोला मम्मी आपने ये क्या किया अगर यही एक लाख रुपए, अगर यही एक लाख रुपए मम्मी आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर देती कोई मुझे बता सकता है कि आज से थर्टी फाइव बैक चलो रिज्यूम करते हैं अभी दो हजार पच्चीस माइनस थर्टी फाइव में कोई मुझे बताओ नाइनटीन में गोल्ड का वैल्यू क्या था और अभी दो हजार पच्चीस में गोल्ड का वैल्यू क्या है एवरीबॉडी चलो दो मिनट दे रहा हूं फटाफट आप लोग सोच समझ के बताएंगे कि आज का गोल्ड का वैल्यू क्या है चलो आज का गोल्ड का वैल्यू अपन लोग लेते हैं अप्रोक्सीमेटली रुपीज सिक्सटी फाइव थाउजेंड फॉर टेन ग्राम नाइनटीन नाइनटी में आप लोगों को बताना है गोल्ड का वैल्यू क्या था गोल्ड का पर टेन ग्राम का क्या प्राइस था आपको गूगल पे जरूर मिल जाएगा देख के बताओ जरा गोल्ड का एक रेट शीट मिल जाएगा या आइडिया मिल ही जाएगा

तो मम्मी को कितने ग्राम्स मिल गए होते वन लैक डिवाइड बाय थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड कैन आई से थर्टी मिल गए होते मम्मी को बराबर है मल्टीप्लाई बाय से टूडेज रेट मल्टीप्लाई बाय से टू डेज रेट सिक्सटी फाइव थाउजेंड पर टेन ग्राम्स तो आप मेरे को बताओ मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी फाइव थाउजेंड कैन आई से ये हो गए होते एक लाख रुपए ट्वेंटी लाख थर्टी वन थाउजेंड टू फिफ्टी ओ जी आप समझ रहे हैं? ये क्या हो रहा है ट्वेंटी लाख थर्टी वन थाउजेंड टू फिफ्टी हो गए होते मैंने मम्मी को बोला मम्मी आपने क्या किया बीस लाख रुपए इसकी वैल्यू हो गई होती इस मनी की यही वनी पड़े पड़े आज क्या कर रहा है आपको भी पता है मम्मी मेरे को भी पता है समझ रहे हो तुम लोग समझ रहे हो तुम लोग तो क्या हो रहा है यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना गड़बड़ हो गई ना बोलो तो दिस इज वेयर मैंने अपनी मम्मी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझाने की कोशिश की प्रयत्न किया एंड मम्मी को बोला कि यार मम्मी आपको समझ में आ रहा है ये टाइम वैल्यू ऑफ मम्मी मनी सो यस दैट्स हाउ द फर्स्ट सीड्स ऑफ टाइम वैल्यू वर बोन इन माई हेड ऑल्सो अब मुझे भी रियलाइज हुआ कि यार बात तो सही है आई मीन मेरी मम्मी को रियलाइज हुआ मैंने सोचा उनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाओ बड़ा पढ़ा रहा हूं ना मैं समझ रही हूँ आप समझ रहे हो मम्मी भी समझ गई चलो डन अब यहाँ पे यही चीज मैं आप लोग को बोलना चाह रहा हूं दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है दैट वैल्यू ऑफ मनी गाइज वैल्यू ऑफ मनी विल कीप चेंजिंग और अपने हाथ में है वो विल की चेंजिंग एक रुपया एक रुपया ही रहेगा बट अपने हाथ में है वो कि ये एक रुपए का क्या करना है अगर ये एक रुपए को मैंने प्रॉपरली इन्वेस्ट किया तो शायद ये एक रुपया वन पॉइंट फाइव बन जाएगा बराबर है सो इन शॉर्ट कैन आई से देर इज अप्रिसिएशन कैसे एक साल मैंने इसको कहीं पे सही जगह पर इन्वेस्ट किया एक साल मैंने इसको सही जगह पे इन्वेस्ट किया ये हो गया डेढ़ रुपया यही एक रुपया यही एक रुपया तो अगर मैं ऐसे ही पढ़ा रहने दू ऐसे ही जैसे मम्मी ने पढ़ा रहने दिया तो ये इन्फ्लेशन ये इन्फ्लेशन मेरे इस रुपए को ऐसा खाएगा कि ये जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा

एक रुपया नहीं रहा इट इज कीपिंग ऑन चेंजिंग एवरीबॉडी आ वी क्लियर गाइस राइट मतलब मैं अगर आपको एक सिंपल सा बात ना और एक सो so यार 201960 में मेरे पास सपोज पच्चीस हजार रुपए है ये पच्चीस हजार को अगर मैं सही जगह पे इन्वेस्ट कर दू ना कोई ऐसी मस्त कंपनी में तो ये 250 फिफ्टी भी हो सकते हैं और यही पच्चीस हजार रुपए को मैं कुछ ना करूं ना ऐसे ही जस्ट रखू जैसे मम्मी ने रखे तो दिस में इवन कन्वर्ट इनटू ट्वेंटी फाइव रुपीज़ इन टूडेज वैल्यू टर्म्स इन टूडेज वैल्यू टर्म्स हंड्रेड रुपीज ऑफ नाइनटीन सिक्सटी इज नाउ इक्विवेलेंट टू वन रूपी सोच लो क्या बेसिस पे चीजें चेंज होती है क्या बेसिस पे कितना इंपॉर्टेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी सो अब इस चीज को समझने के लिए ये चीज अपने को आइडिया तो आ गया सर आपके एग्जाम्पल से क्लैरिटी तो आ गई कि क्या होना चाहिए क्या नहीं क्यों ना अब मैं इस एग्जाम्पल को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊ और तुम्हारे को बताऊ कैसे रोल अब ऐसा सोचो कि आज आपको आपकी मम्मी ने बोला कि जा बेटा थोड़ा घर पे चावल खत्म हो गया थोड़ा चावल लेकर आ आपने बोला ओके okay, मम्मी मैं जरूर लेकर आता हूं तो आप आज गए टूडे आप आज गए टूडे विच इज जीरो मम्मी ने आपके हाथ में दिए हजार रुपए मम्मी ने आपके हाथ में दिए हजार रुपए इस हजार रुपए से आप लेकर आए दस किलो राइस दस किलो राइस रुपीज हंड्रेड पर केजी के हिसाब से रूपीज हंड्रेड पर केजी के हिसाब से आप दस किलो राइस लेकर आए समझ रहे आप लोग समझ रहे आप लोग हाँ भाई सही है ओके मम्मी ने मुझे आज से एग्जैक्टली exactly एक साल बाद वापस से बोला बेटा बेटा जा एक किलो राइस लेकर आ और मम्मी ने मुझे हजार रुपए दिए आप लोगों को बताना है क्या मैं आज भी मतलब एक साल बाद भी यही दस किलो राइस ला पाऊंगा क्या सोच समझ के बताना बेटा आज मम्मी ने मुझे हजार रुपए दिए मैं गया बाजार में बाजार में जाके दस किलो राइस ले आया झटझट सौ किलो पर केजी के हिसाब से बट बेटा क्या मैं यही सेम मैं अगर आज भी एक साल बाद जाऊंगा यही हजार रुपए लेके तो क्या मैं दस किलो राइस ले जा ले आ पाऊंगा क्या वेल द आंसर इज नो आज मम्मी ने मुझे दिए है हजार रुपये बट मैं आपको बता दू मैं एट के जी राइस ही ला पाया हूं क्योंकि अब राइस का भाव हो गया है रुपीज वन ट्वेंटी फाइव पर केजी रुपीज वन ट्वेंटी फाइव पर के जी एम बोलो बोलो चल चल ठीक है सर समझ गए अच्छा और एक लेवल पे लेके जाता हूं तुम्हारे को समझी मम्मी ने समझो मुझे दो साल बाद भेजा यही हजार रुपए लेके बोलो क्या होगा क्या मैं उतने ला पाऊंगा द आंसर इज नो अब तो 150 पर के हो गया है बेटा अब तो खाली 6.67 पॉइंट राइस ही आएगा और ऐसा ही होता है यार आजकल ब्रेड लेने को जाता हूं मैं जब 10 साल का था ना तब मेरे मम्मी पापा मुझे ब्रेड लेने को भेजते थे आज भी मैं वो ब्रेड लेने को जाता हूं एंड इट्स डिफरेंस इन द कॉस्ट बस यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या टाइम वैल्यू ऑफ द सेम मनी इज चेंजिंग यही हजार रुपए था ना ये हजार रुपए एक साल पहले था ये हजार रुपए दो साल पहले था अब देखो कितनी चीजें आ रही है और यही हजार रुपए लेके अगर मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी यही हजार रुपए लेके अगर मुझे तीन साल बाद भेजेगी तो मैं बोलूंगा मम्मी अपने घर पे क्या टीकी आएगी कुछ नहीं आएगा दस किलो जो हाथ से तीन साल पहले आता था अब खाली पांच किलो राइस आएगा 200 पर किलो राइस का हो गया है मम्मी 200 पर किलो राइस का हो गया है समझ रहे हैं क्या आप लोग आप लोग समझ रहे हैं एवरीबॉडी यस और नो यस बस एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट दैट अगर आपको सेम चीज चाहिए ठीक है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे फॉर द सेम चीज यही दस किलो राइस चाहिए ना आपको एक साल बाद एक हजार दो सौ पचास रुपए देने पड़ेंगे कहने का मतलब क्या है जब भी, भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो जो एक साल या उसके बाद का हो तो आपको साथ में कंसिडर करना पड़ेगा आपको साथ में कंसिडर करना पड़ेगा क्या एग्जैक्टली exactly. टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिकॉज अदरवाइज आपका जो डिसीजन है वो एकदम गलत हो जाएगा बिकॉज आपका जो डिसीजन है वो डिपेंडेंट है मनी के ऊपर और मनी टाइम के हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज करता है मनी टाइम के हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज करता है समझ में आ रहा है आपको एवरीबॉडी एस नो एवरी एवरी डन 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 चलो बस दैट दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स तो आज के बाद अगर मेरे को डिसीजन लेना है अब एक चैप्टर करने वाले अपन कैपिटल बजटिंग बॉस एक बात बता दू मैं आपको कैपिटल बजटिंग मतलब ऐसा डिसीजन जहां पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हो ठीक है तो मेरे को समझो आ, समझो मैं एक, एक एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने वाला हूं वो बिल्डिंग बनाने को लगेगा पांच साल अब ध्यान से सुनना मेरी बात को अगर वो बिल्डिंग बनाने को लगेगा पांच साल आज उस बिल्डिंग के लिए मुझे दस हजार रुपए कोई मुझे दे रहा है और पांच साल बाद भी मुझे सेम दस हजार रुपए देगा तो क्या मैं उस बिल्डिंग के ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा क्या मैं बोलूंगा बॉस आज आप इस बिल्डिंग का दस हजार दे रहे हो आज से पांच साल बाद भी अगर दस हजार रूपए दोगे तो इस टाइम वैल्यू की वजह से मनी का वैल्यू इस टाइम की वजह से मनी का वैल्यू चेंज हो जाएगा पब्लिक मैं दस हजार की जगह और ज्यादा पैसा मांगूंगा है कि नहीं है कि नहीं वैसे ही वैसे ही अगर कोई खर्चा होने वाला होगा तो खर्चा भी मैं उस हिसाब से ध्यान में रख के लूंगा एंड दैट इज वेयर कैपिटल बजटिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल और वो चीज अपने को अगर नहीं पता हो अगर उसका लॉजिक उसके पीछे का कहानी नहीं पता हो देन इन दैट केस क्या ही अपन कैपिटल बजेटिंग सॉल्व करेंगे यार क्या ही अपन कैपिटल बजेटिंग सॉल्व करेंगे समझ में आ रहा है तुम लोग को अभी मेरी बातें एवरीबॉडी यस और नो बस एग्जैक्टली exactly यहां पे अब मैं तुम लोगों को कुछ और एग्जांपल्स देते जाऊंगा जहां से मैं तुमको ये दोनों चीजें कवर करवाऊंगा एक आज के वैल्यू के हिसाब से फ्यूचर में क्या होने वाला है और फ्यूचर के हिसाब से आज क्या होने वाला है मतलब अगर फ्यूचर में मुझे दस हजार मिलने वाले हैं तो आज उसका वैल्यू क्या होगा या आज अगर कोई दस हजार दे रहा है और पांच साल बाद मेरे को उससे पैसे लेने तो कितने पैसे मांगने चाहिए समझ में आ रही है बातें आपको फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इन दोनों को कंबाइन करके बनता है टाइम वैल्यू चलो आ जाओ एवरीबॉडी सो यहाँ पे क्या हुआ देखो यहां पे क्या हुआ इस एग्जाम्पल में सौ रुपए पर के जी की चीज हो गई दो सौ रुपए पर के जी सुनो ना सौ रुपए पर के जी की चीज हो गई दो सौ रुपए पर के जी क्योंकि इन्फ्लेशन की मार लग गई इसके ऊपर इन्फ्लेशन की मार लग गई इसके ऊपर इन शॉर्ट जो 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 हजार रुपए में आता था वैल्यू ऑफ मनी गॉट डाउन एंड वही हजार रुपए में अब फिफ्टी परसेंट चीज आ रही है फिफ्टी परसेंट राइस आ रही है सो यही हजार रुपे में जो साला दस किलो देता था मम्मी को लाके अब यही हजार रुपए में मम्मी को पांच किलो लाके देंगे पांच किलो लाके देंगे पांच किलो लाके देंगे समझ एवरीबॉडी बोलो बोलो चहल चहल अच्छा ठीक है मम्मी ने बोला कि बेटा पहले तो तू इतने सारे राइस ले आता था पहले तो तू बेटा हजार रुपए देती थी तू इतने सारे राइस ले आता था दस किलो तीन साल बाद मम्मी बोल रही है आज भी तेरे को हजार रुपए दिए बेटा तू पांच किलो ही राइस लाया बाकी का क्या थो, थोड़ा पैसा जेब में रख लिया क्या आप बोलेंगे मम्मी नहीं एक पैसा जेब में नहीं रखा है आपको पता है ये सब इन्फ्लेशन की वजह से गेम बढ़ गया है पूरा अब फिफ्टी परसेंट ही चीज मिल पा रही है तो मम्मी मुझे पूछ रही है रिवर्स क्वेश्चन मम्मी मुझे पूछ रही है कि ठीक है अगर ऐसा है तो तू मुझे बता बेटा तू मुझे बता कि एक साल के बाद अगर मुझे कोई चीज चाहिए होगी तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा दो साल बाद कितना पैसा देना पड़ा होगा अगर मुझे सेम सौ किल, दस किलो राइस चाहिए अगर मुझे सेम दस किलो राइस चाहिए तो आज जो मैं हजार रुपए को दे रही हूं वो एक साल बाद कितना देना पड़ेगा बेटा दो साल बाद कितना देना पड़ेगा तीन साल बाद कितना देना पड़ेगा चलो आओ मम्मी को वो भी एक्सप्लेन करते हैं अपन लोग चलो वो भी एक्सप्लेन करते हैं तो अपन बोलेंगे कि मम्मी समझो आज आपने हमारे को आज आपने हमारे को हजार रुपए दिए हैं समझो आपने आज हमारे को हजार रुपए दिए हैं तो मम्मी एक साल बाद है ना ये हजार रुपए ही दोगे ना तो काम नहीं चलेगा मम्मी बता रहा हूं मैं आपको काम नहीं चलेगा तो क्या करूं बेटा कितना दू तो अपन मम्मी को बोलेंगे मम्मी मम्मी आप मेरे को एक साल बाद ग्यारह सौ रुपए दे रहा है एग्जाम्पल ऐसे दे ले रहा हूं क्योंकि अब इन्फ्लेशन की मार से सेम चीज टेन परसेंट बढ़ चुकी है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अच्छा बेटा हाँ मम्मी फिर ईयर टू आएगा ईयर टू में तो मम्मी आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा दस परसेंट तो आप वन वन जीरो जीरो प्लस टेन परसेंट वन टू वन जीरो भी दे सकते हो दो साल बाद अच्छा मम्मी तीन साल बाद ये वन टू वन जीरो से भी काम नहीं चलेगा आपको और दस परसेंट बढ़ा के देना पड़ेगा मम्मी एंड इट विल बी वन थ्री थ्री वन एंड इट विल बातें आपको एवरीबॉडी सो ऑन एंड सो फोर्थ मम्मी बोली ओके बेटा अब मुझे चीजें समझ में आ रही है तो तो अब जो आज मम्मी ने हजार रुपए देने का प्लान किया था बेटा इसको आज के बाद आप बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू और जो मम्मी फ्यूचर में देने का प्लान कर रही है उसको क्या बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू सिंपल बराबर है so, सो तीन साल बाद अगर मम्मी को मुझे पैसा देना है सेम चीज खरीदने के लिए तो मैं बोलूंगा मम्मी एक हजार तीन सौ इकतीस देना विच इज नथिंग बट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ टूडेज वन थाउजेंड तो सुनो ना मैं अगर प्रेसेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे चले गया तो क्या रिवर्स भी पॉसिबल है क्या क्या मैं फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे भी आ सकता हूं क्या द आंसर इज यस क्या कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा डोंट मावी समझ एवरीबॉडी बोलो बोलो चाल चाल पहचानते ही नहीं अब लोग हमें चलो चलो हा भाई सो दिस इज वॉट वी हैव टू डू इन दिस होल चैप्टर प्रसेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से प्रसेंट वैल्यू बट लॉजिक समझ में आया आप लोगों को क्या हो रहा है कोई चीज आज हजार की है आज से तीन साल बाद वन थ्री थ्री वन की होगी और आपको लग रहा है फ्यूचर में वो चीज वन थ्री थ्री वन की होने वाली है तो आज उसका वैल्यू कितना होगा हजार रुपए होगा प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू गच्चा एवरीबॉडी यस yes, अब इसी के कनेक्ट में आगे जाते हुए मैं तुम लोग को दे रहा हूं एक क्लासिक एग्जाम्पल जिससे तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी एंड दैट रिलेट्स टू बैंक इंटरेस्ट बस आज मेरा प्रॉपरली एंड तक प्रॉपर वीडियो देखते रहो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या ही दिमाग में सेट करूंगा कि तुम लोग को जिंदगी भर तक उस चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इंटर बोलो फाइनल बोलो सब जगह पे तुम लोग को यह चीज मेरा यह लेक्चर काम आने वाला है मैं बता दू जी हां so, अब अपर लोग जा रहे हैं बैंक के पास बैंक में अपन सब ने करवाया हुआ है कभी ना कभी फिक्स्ड डिपॉजिट शायद आपने ना करवाया हो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स उन्होंने तो 101 करवाया हुआ है बैंक में जाके फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक से फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने का रीजन अपने को मिलता है इंटरेस्ट अपने को मिलता है इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया अगेन जो शायद आप मैथमेटिकली पढ़ चुके होगे अपने आ, कोई ना कोई स्टैंडर्ड में एक होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड दूसरा होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बट इस सिंपल एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तड़का लगा के आपको पढ़ाऊंगा बहुत मजा आने वाला है ठीक है कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मौसम बदलने वाला है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाओ मैं आप लोगों को एक सवाल पूछ रहा हूं जिसका आप लोगों को दो मिनट लेकर सॉल्व करके मुझे बताना है सपोज मैं बैंक में गया और एक फिक्स डिपॉजिट बनवाई पांच लाख रुपए की सपोज मैं बैंक में गया और एक फिक्स्ड डिपॉजिट बनवाई पांच लाख रुपए की इस फिक्स्ड डिपॉजिट पे सुनो ध्यान से इस फिक्स्ड डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आया एट द रेट फिफ्टीन परसेंट और ये मैंने करवाया तीन साल के लिए यह मैंने करवाया तीन साल के लिए सेम मैं गया बैंक में अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कराने को गया अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कराने को गया सेम एफ डी है पांच लाख की सेम एफडी है पांच लाख की इसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट फिफ्टीन परसेंट फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स क्या होगा ये आप लोगों को पांच मिनट दे रहा हूं मैक्सिमम सोच समझ के बताना है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ दो मिनट दे रहा हूं चलो फटाफट ट्राई करो अदरवाइज मैं तो बताने ही वाला हूं स्टार्ट थिंक एन आंसर भाई चलो टाइम आप देखते हैं हाउ द होल स्टैक वर्क लेट्स इधर देखो ना अब देखो इधर से मेरा सिंपल इंटरेस्ट से मैं स्टार्ट करता हूं ठीक है सिंपल इंटरेस्ट से मैं स्टार्ट करता हूं पांच लाख का पंद्रह परसेंट अब सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है भाई जो भी पैसा पांच लाख का दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हम आपको ऑन द स्पॉट दे देंगे आप लेके जाओ घर पे आपको जो करना है करो बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है आपका जो पैसा है वो पैसे पे जो पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट मिला है हम उसको भी री इन्वेस्ट करेंगे तो आज हमारे पास पांच लाख है एक साल बाद पांच लाख का पंद्रह परसेंट फाइव लाख का फिफ्टीन परसेंट फाइव लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड हो जाएगा टोटल मिला के दैट से इंटरेस्ट इज देर उसको भी हम लोग री इन्वेस्ट कर देंगे सो टोटल फॉर द सेकंड ईयर फाइव लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड द थर्ड ईयर फाइव लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर विल ऑल्सो बी री इन्वेस्टेड यह मेजर डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी क्लियर एवरीबॉडी अभी क्लियर एवरीबॉडी भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलो कितना बड़ा बात बोल दिया उसने एंड इट इज इंडीड इट इज ठीक है ना तो आप एक काम करो ये आप लोग ने स्टोरी सुनी होगी नई स्टोरी सुनी है तो ध्यान में रखना ट्राई करो दिमाग लगा के कि अगर से फॉर एग्जांपल एक, एक चावल का ये है आ, चलो ये कहानी सुनाता हूं मैं आपको ठीक है एक, एक बहुत ही स्मार्ट बीरबल जैसा बंदा था वो राजा के द्वार में गया राजा कुछ चीजों में प्रॉब्लम में फंसा हुआ था तो राजा ने बोला जो भी मेरे को इस प्रॉब्लम से हटाएगा मैं उसको उसका मुंह मांगा इनाम दूंगा मैं उसको उसका मुंह मांगा इनाम दूंगा तो यहां पे यह बंदा है राजा ने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई उस बंदे ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया यस ही सॉल्व द प्रॉब्लम दैट राजा गेव हिम राजा बहुत खुश हुआ राजा ने बोला मांग जो तेरी ताकत है मांग जो तू मांगेगा वो तेरे को हम दे देंगे राज, उसने बोला बंदे ने बोला कि राजा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे खाली एक चावल का टुकड़ा चाहिए आज कल मुझे उसी टुकड़े का डबल चाहिए परसों मुझे अब जो भी टोटल तो चावल हुए उसका डबल चाहिए और उसके चार दिन बाद तीन दिन तक जो भी चावल हुए उसका डबल चाहिए राजा ने बोला भाई मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं तेरे को मांगना है तो कोई बड़ी चीज मांग लेता बस इतनी सी चीज मांगी है हाँ सेनापति सभापति इसकी जो मांग है वो पूरी करो कब तक चाहिए तेरे को वो बोलता है सब मेरे को खाली छह महीने तक ये चीज चाहिए अच्छा बस छह महीने तक दे दिया सभापति छह महीने तक इसके रोज जो भी चावल है वो बढ़ते जाए डबल होते जाए यानी अगर आज टुडे एक चावल है ये एक चावल दिख रहा है आपको ये एक चावल है तो टुमारो ये कितने हो जाएंगे दो चावल दे दो इसको फिर बाद में डे आफ्टर टुमारो इसको दो के डबल कितने होते हैं चार चावल दे दो ठीक है फिर उसके बाद डे आफ्टर टुमारो आफ्टर तो चार के डबल कितने होते हैं आठ चावल दे दो ऐसे करके इसको देते जाओ इसके घर पे पहुंचा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिचारे ने एक चावल का कण बस इतना सा मांगा यार तूने अरे मांग लेता कुछ बड़ी चीज यार राजा था दे देता तेरे को तो होगा क्या इफेक्टिवली फर्स्ट डे पे उसके पास एक चावल होगा फिर उसके पास दो फिर उसके पास चार फिर उसके पास आठ ऐसे करते करते उसके पास चावल आते जाएंगे अब आप लोगों को मैं कमेंट सेक्शन दे रहा हूं आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि दो महीने बाद उसके पास कितने चावल होंगे क्या आपके काउंट में भी आ रहे हैं वो चावल बस कमेंट में मुझे बता दो एंड यू विल गेट के कंपाउंडिंग ये देखो ये क्या हो रहा है कंपाउंडिंग होते जा रहा है डबल का डबल अरे डबल का डबल का डबल पैसे का पैसा चावल का चावल बनते जा रहा है ट्राई करना सोचना एंड लेट्स टू आंसर और विद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तो आप लोग ने सिंपल इंटरेस्ट क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न आ गया बात खाता बात खत्म सो फर्स्ट फर्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट ठीक है मैं आपका वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स पे एवरीबॉडी सेकंड सेकेंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में ई आ चुका है सही बोल रहा है कैलकुलेटर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह डिजिट तो कैलकुलेटर में आ गए हैं तुम्हारे उसमें ई आ चुका है मतलब आप समझ लो क्या लेवल पे कंपाउंडिंग प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल का सच एन इंपॉर्टेंट रोल आइए अब सिंपल इंटरेस्ट वाला क्या बोलेगा भाई पांच लाख रुपया है एक सुनो ना सुनो ना पांच लाख रुपया है इसका पंद्रह टका सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या ना इसे रुपीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड यार रहा है सच रुपीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है डन ओके डन यार वन यू एंड ईयर थ्री कैन आई से सेवेंटी फाइव थाउजेंड मिला उसको ईयर वन में टू में उसको सेवेंटी फाइव थाउजेंड मिला ईयर थ्री में सेवेंटी फाइव थाउजेंड मिल गया वो लेके गया वो पैसा बस हो गया तो एंड ऑफ थ्री ईयर्स क्या हुआ एंड ऑफ थ्री ईयर्स बेटा क्या हुआ पैसा आया कितना पांच लाख प्लस, प्लस 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 तीन बार सेवेंटी फाइव थाउजेंड तीन बार सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड टोटल आ गया अपने पास फाइव लैख प्लस सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेवेंटी वर्किंग आउट टू रुपीस सेवन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वर्किंग आउट टू रुपीस सेवन लैख ट्वेंटी फाइव ए समझू एवरीबॉडी कैन सेवन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सब लोग का सिंपल इंटरेस्ट में आया होगा बहुत ही इजी पीजी था करेक्ट अब आ जाओ तुम लोग कंपाउंड वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट के रे आली कंपाउंडिंग आली, अब तेरी बारी आली अब कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैं यही सेम चीज का कैलकुलेट करता हूं तो फर्स्ट इंस्टेंस में तो सेम ही आएगा सुनो ना फर्स्ट इंस्टेंस में तो सेम ही आएगा क्या सेवेंटी फाइव थाउजेंड बट 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 दिस सेवेंटी फाइव थाउजेंड इज री इन्वेस्टेड दिस बिकम्स फाइव सेवेंटी फाइव थाउजेंड च इज फॉर दर री इन्वेस्टेड तो अब क्या होगा ये फाइव लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड पे पंद्रह परसेंट तो फाइव लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड पे पंद्रह परसेंट कितना होता है इट इज एटी सिक्स टू फिफ्टी इट इज एटी सिक्स टू फिफ्टी एड करो कितना हो जाएगा ये एड करो कितना हो जाएगा ये रुपीज सिक्स सिक्सटी वन टू फिफ्टी फिर इसके ऊपर पंद्रह परसेंट बोलो कितना आएगा इट इज नाइन नाइन वन एट एड होके सारा कितना हो गया ये एड होके सारा कितना हो गया इट बिकम्स रूपीज सेवन सिक्सटी फोर थर्टी एट यहां पे मात्र पांच लाख रुपए वो भी खाली तीन साल के लिए री किया उसमें ऑलरेडी वी कैन सी दैट कंपाउंडिंग के वजह से थोर्टी फाइव थाउजेंड का फायदा हो चुका है थोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज का फायदा हो चुका है समझ रहे हो तुम लोग थोटी फाइव थाउजेंड का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ चुका है कंपाउंडिंग की वजह से गॉट इट गाइज सो दिस इज वॉट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टू यू अब मैंने ये आप लोगों को क्यों बताया क्योंकि अब इस पांच लाख को को आप क्या बोलते हैं पता है क्या इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू और ये सेवन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू एज पर सिंपल इंटरेस्ट उसका एक फॉर्मूला बनेगा और दूसरा दूसरा ये जो इधर पांच लाख है इसको भी प्रेजेंट वैल्यू बोलूंगा बट ये सेवन सिक्सटी फोर थर्टी एट को बोलूंगा फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग के हिसाब से भी एक अलग से फॉर्मूला बनेगा प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का विच विल कंप्लीट माय टाइम वैल्यू ऑफ मनी इजी बी इजी समझ में आ रहा है सब तक अब तक सब लोग को सब कुछ क्योंकि बैंक वाला एग्जाम्पल है अपन सब उससे कनेक्टेड है कंटिन्यू करता हूं अब मैं फोकस करता हूं सिंपल इंटरेस्ट पे गाइस अब मैं सुनो ना अब मैं फोकस करता हूं सिंपल इंटरेस्ट पे अब मैं फोकस कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट पे अब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा हूं देन इन दैट केस हाउ डज दिस वर्क सीयर पांच लाख कितने पांच लाख रुपए है यह है इसका प्रेसेंट वैल्यू फ्यूचर में हुआ क्या यह फ्यूचर में क्या हो गया सेवन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यह हो गया इसका फ्यूचर वैल्यू यह हो गया इसका फ्यूचर वैल्यू सो तो यह मेरा प्रेसेंट वैल्यू यह मेरा फ्यूचर वैल्यू करेक्ट ऑलवेज रिमेंबर मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है बट कैना ये तो एकदम बेसिक है अच्छा एवरीबॉडी राइट अब कैसे आया होगा ये कैलक्यूलेशन कैसे आया होगा ये फ्यूचर वैल्यू ये सेवन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कैसे आया क्या इससे पांच लाख तो था ही मेरे पास उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया पंद्रह परसेंट के हिसाब से बराबर है विच इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड ये एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार मैंने किया तो क्या इसे यहां पे यहां पे देखो लॉजिकली फॉर्मूला डिराइव करना किसको कहते हैं आज आप लोग को मैं बता दू so, ये जो इंटरेस्ट है मेरा ये जो पंद्रह परसेंट का इंटरेस्ट है क्या ना इसे यही तीन साल तक चला और मुझे मिल गया मेरा फ्यूचर वैल्यू सो so, मैंने स्टार्ट किया था यहां से प्रसेंट वैल्यू इस पे 15 for 3 years किया। तो मुझे मिल गया ये ऐड होने के बाद फ्यूचर वैल्यू बोलो बोलो टेल, टेल क्या फॉर्मूला आपको लग रहा है बन रहा है सो so, कैन आई से देखो इधर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू जो पांच लाख तो था ही मेरा बराबर है वो तो था ही मेरा हाँ, अब ये फिफ्टीन परसेंट तीन साल के लिए तो कितना होता है फिफ्टीन परसेंट तीन साल के लिए तो into 3, के से ये देखो पांच लाख पी इंटू आर इंटू टी वेरी गुड वेरी गुड प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी एकदम बराबर है अब तीन साल के लिए है ये चीज तो टोटल कैसे आएगा सोच समझ के बताओ कौन गुड वन जाया तो जया जी ने बोला है सर पांच लाख तो मिलने ही वाला है उसके साथ उसके साथ क्या मिलने वाला है फाइव लैक ,00 के ऊपर P प्रिंसिपल इंटू आर रेट इंटू थ्री नंबर ऑफ इैख इंटू फिफ्टीन परसेंट इंटू थ्री होता है टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बट रुको 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 अब जब मैं इसको फॉर्मूला में डालूंगा ना मैं बोलूंगा कि मैं ये पांच लाख ,00 को कॉमन ले लेता हूं तो मैं ये क्या करता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूं गाइस प्लीज ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं सुनो एक सुनो मैं क्या कर रहा हूं ये पांच लाख को मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरा फ्यूचर वैल्यू देखो आइडियली तो पांच लाख प्लस पांच लाख इंटू फिफ्टीन परसेंट इंटू थ्री करोगे तो टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड साइन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हो गया बट फॉर्मूला बनाना है तो ये पांच लाख को मैं कॉमन में ले सकता हूं यस सर ये पांच लाख इधर रहेगा तो वन प्लस कैनाइ है फिफ्टीन परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू थ्री ये है एन आर वी क्लियर एवरीबडी सो सो यहां पर मैं बोलूंगा ये क्या है ये मेरा प्रेसेंट वैल्यू है भाई पांच लाख मेरा प्रेसेंट वैल्यू है भूल चुका हूं ये तो मैं सो दे फॉर्मूला बन जाता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेसेंट वैल्यू इंटू वन प्लस आर इंटू एन और इसको क्रॉस चेक करते हैं अपन आओ यहां पर फाइव लैक इंटू वन प्लस आर जीरो पॉइंट वन फाइव भाई फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड पॉइंट वन फाइव इंटू तीन साल के लिए तो इंटू थ्री बराबर है सो फाइव लैख इंटू वन प्लस पॉइंट फाइव पॉइंट वन फाइव इंटू थ्री पॉइंट फोर फाइव सो फाइव लैख इंटू वन पॉइंट फोर फाइव रुपीज सेवन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मेरा बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू समझ में आया गाइस ठीक है हो सकता है आप लोग मैथमेटिक्स के बादशाह हो और हो सकता है आप लोग को ये सब चीजें पता हो बट जब चीज डिराइव करते हो इट्स ऑलवेज गुड तो आज के बाद याद रखना अगर कहीं पे भी लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट दिया हो और आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना हो इट विल बी पीवी वन प्लस आर इन एन समझ कभी हो सकता है आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना पड़े तो भी आप कर सकते हो प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन वन प्लस आर इंटू एन समझ में आ गई बात कंटिन्यू करेंगे रुकेंगे नहीं कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करेंगे यही अगर मैं दूसरा पार्ट जो है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट उसके ऊपर जाता हूं यही मैं अगर मेरे दूसरे पार्ट इच्छे कंपाउंड इंटरेस्ट इसके पास जाता हूं तो क्या होगा फॉर्मूला आओ दिमाग लगाते हैं अगेन पांच लाख तो मेरा प्रसेंट वैल्यू है ही प्लस प्लस अब क्या हो रहा है ये पांच लाख के ऊपर मेरे को पंद्रह टका मिल रहा है बट एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार बट यहां पे क्या हो रहा था चीजें ये इतना ही मुझे मिल रहा था आर इंटू एन जितना है ना इतना ही मेरे को मिल रहा था अब तो ये भी री इन्वेस्ट होके मिल रहा है री इन्वेस्ट होके मिल रहा है सो योर वी विल राइट द आउट रेस टू एक नहीं दो नहीं तीन साल के लिए ये सारी चीजें मेरे को मिल रही है राइट सो सो कंटिन्यू करते हैं इसी तरह से तो अपन बोलेंगे कि भाई देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्रेसेंट वैल्यू इक्वल टू सॉरी फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू पांच लाख तो है ही उतना तो मिलना ही है उसके अलावा मेरे को क्या मिलने वाला है मेरे को ये पांच लाख के ऊपर पंद्रह परसेंट मिलेगा एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं गिविंग मी सो so, यहां पे मैं लिख देता हूं फ्यूचर वैल्यू तो मेरे को मिल जाएगा मेरा फ्यूचर वैल्यू एस सेम ईयर प्रेजेंट वैल्यू को तो कॉमन ले लिया वन प्लस जो मेरा इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट है अब मैं उसको रेज़्ड टू कर दूंगा राइट सो सो यहां पे मेरा फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा फाइव लैक इंटू वन प्लस आर इज पॉइंट वन फाइव रेज टू एन तीन साल के लिए सो फाइव लैक इंटू वन पॉइंट वन फाइव रेज टू थ्री वन पॉइंट वन फाइव इंटू इक्वल टू वन पॉइंट वन फाइव इंटू इक्वल टू इक्वल टू और एक बार मल्टीप्लाई बाय फाइव लैक्स जी हाँ यह हाँ, अपना आंसर सेवन लैक्सिक्सटी थाउजेंड फोर थर्टी एट वाह क्लियर एवरीबॉडी सो इसको जब आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट सेवन सिक्सटी फोर थर्टी एट वैसे ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत तरीके मैंने बताए हुए हैं कैलकुलेटर शॉर्टकट ट्रिक्स में जी हाँ उट अब 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 हुआ क्या यहां पर सो बेसिकली फ्यूचर वैल्यू कैलक्युलेट करने के लिए मैंने प्रेसेंट वैल्यू वन प्लस आर रेस टू एन कर दिया क्यू कंपाउंडिंग इफेक्ट देने के लिए तो बेसिकली हुआ क्या जो पांच लाख था सुनो ना जो पांच लाख था वो वन पॉइंट वन फाइव गया फिर वापस वन पॉइंट वन फाइव गया फिर वापस वन पॉइंट वन फाइव टाइम गया बस यही जाते जाते फॉर्मूला बन गया यही जाते जाते फॉर्मूला बन गया हे समझ अभी एवरीबॉडी बराबर सो एफ इज इक्वल टू पी वी वन प्लस आर रेस्ट टू एन जहां पर आर इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे एन इज माई नंबर ऑफ इच्छा एवीबॉडी क्या समझ में आया आप लोगों को क्या समझ में आया के देखो दो चीजें होती है इंटरेस्ट की मेजरली एक जब सिंपल इंटरेस्ट की तरह चीजें चले दूसरा जब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चीजें चले और लॉजिकली डिराइव किया अपन ने एक वर्ड भी इसमें से मुझे बता दो जो लॉजिक के विपरीत में कुछ किया हो नथिंग एवरीथिंग इज लॉजिकली डिराइव यहां पे सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है इंटरेस्ट इज गिवन बैक टू इन्वेस्टर जा अपनी जिंदगी बराबर है बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर यही है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर यही है इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड फॉर द इन्वेस्टर कभी लाइफ में अगर म्यूचुअल फंड करोगे ना तो ये तुम्हारे ग्रोथ प्लान जैसा है है ना है ना है ना है ना और तुमको कमेंट करके बताना है ये कौन से प्लान जैसा है ये तुमको बताना है अगर पता हो तो नहीं पता हो तो कमेंट से किसी ना किसी के कमेंट से पता चल जाएगा ये कौन से प्लान जैसा है ये कौन से प्लान जैसा है चलो आ जाओ सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क एकदम आप लोगों को क्लियर हो गई चीज है अगर मेरे को यहाँ पे वापस से फॉर्मूला लिखना है तो मैं फॉर्मूला अब खुद से डिराइव करके लिख सकता हूं आई विल से जब भी सिंपल इंटरेस्ट होता है ठीक है और मुझे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना हो तो इट इज प्रेसेंट वैल्यू वन प्लस आर एन क्लियर है डन है यस yes, सर और मेरे को फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू भी जा सकता हूं so जब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की चीजें करनी है तो मैं बोलूंगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेसेंट वैल्यू एन डन मजा आ रहा है फिक्स डिपॉजिट भी सिंपल इंटरेस्ट में ही रहता है ना हाँ फिक्स डिपॉजिट तो वैसा ही रहता है बट ठीक है अब और एक लेवल ऊपर चलो और एक लेवल ऊपर चलो चलो आ जाओ और एक लेवल ऊपर जाते हैं इन अंडरस्टैंडिंग दिस होल कॉन्सेप्ट कमन 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 चार्ली अब सपोज यही अपना एग्जाम्पल जो चल रहा है बैंक फिक्स डिपोजिट का उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं सपोज बैंक का फिक्स डिपॉजिट है ठीक है कितने का पांच लाख रुपए का फिक्सड डिपॉजिट है पांच लाख रुपए का फिक्सड डिपॉजिट है ठीक है आर ओ आई रेट ऑफ इंटरेस्ट है पंद्रह टका ड्यूरेशन है तीन साल सर अभी तो हमने कैलकुलेट किया अच्छी बात है अच्छी बात है अगर मैं बोलता हूं तुम्हारे को मुझे लिख के बताओ इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना था कितना है सर पांच लाख सुनो ना इसका फ्यूचर वैल्यू कितना है वो अभी अपन लोग ने कैलकुलेट किया सेवन सिक्सटी फोर थर्टी एट राइट यहां पे क्या हुआ यहां पे वैल्यू बढ़ गया क्या ना इससे फ्यूचर वैल्यू बिकेम मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू किसकी वजह से इंटरेस्ट कंपाउंड हुआ इसकी वजह से इंटरेस्ट कंपाउंड हुआ इसकी वजह से बराबर है ये जो डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू विल बी कॉल्ड एज लिख के बताओ

ए बेटा डन अगर मुझे कोई बोले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैलकुलेट करके दो देखो मैं आपको बता हूं मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा बिकॉज मुझे अब पता चल गया है दैट बिकॉज मुझे अब पता चल गया है दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू एफ वी माइनस पीवी मैं क्या करूंगा एफ वी का फॉर्मूला लिख लूंगा पीवी का फॉर्मूला लिखूंगा माइनस करूंगा मुझे मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बताता हूं, हूं. किसी ने देखो एफ का फॉर्मूला कोई आपको बता देगा कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का डिस्कस नहीं करता जाने क्यों तो मैंने सोचा चलो ये भी आप लोग के साथ डिस्कस कर ले क्या पता कभी आपको ये भी काम आ जाए सो कंपाउंड इंटरेस्ट गाइज 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 प्लीज पे अटेंशन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू एफ वी माइनस पीवी फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू हम बोलेंगे सी आई इज इक्वल टू एफ वी माइनस पीवी अच्छा एफ वी क्या था प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर रेस टू एन यस सर अच्छा पीवी क्या है पीवी को अपन लोग पीवी रखते हैं अभी फिलहाल के लिए बिकॉज uh, पीवी के टर्म्स में सब आ जाएगा सो सी आई इज इक्वल टू दिस सी आई इज इक्वल टू कैन आई टेक प्रसेंट वैल्यू इन कॉमन फिर वन प्रसेंट वैल्यू को कॉमन में लिया फिर वन प्लस आर रेस टू एन माइनस वन समझे दैट इज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलक्युलेटेड और अपना जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें तो ये सब सोच लिया ही नहीं उसमें तो सीधा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ इू विल गेट द सिंपल इंटरेस्ट एकदम क्लियर सो so, अगर मेरे को यहाँ पे सपोज इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन करना है मुझे दो कैल्कुलशन करना है सपोज सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वो तो मेरे लिए एकदम सिंपल है बचपन से करता आ रहा हूं मैं

वन प्लस आर रेस टू एन माइनस वन अभी मत लिखो अपलोड कर दूंगा मैं चैनल पे ग्राम चैनल पे सो दैट वहां से भी तुम लोग अपलोड कर डाउनलोड कर पाओगे कोई टेंशन नहीं ठीक है ओके ओके गाइस अब और एक लेवल और एक लेवल ऊपर लेके जाता हूं तुम लोगों धीरे धीरे कंपाउंडिंग किया है कंपाउंडिंग करने से आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाते हो कंपाउंडिंग करने से आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाते हो कभी सोचा है उल्टा भी होता होगा सोचो जरा कभी सोचा है उल्टा भी होता होगा क्या फ्यूचर वैल्यू से भी तो प्रेजेंट वैल्यू पे आ सकता है उसको क्या बोलते है? हैं आउट करते उसको क्या बोलते है? आओ 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 करते हैं चलो वेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज यूज टू गो फ्रॉम एफ वी टू पी वी फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू टू प्रेसेंट वैल्यू बिल्कुल सर एकदम सही एकदम सही उल्टा करेंगे तो क्या होगा आओ, दिखाता हूँ उल्टा करेंगे तो क्या होगा कंपाउंडिंग so, किया मैंने कंपाउंडिंग किया मैंने तो क्या हुआ पता है uh, मेरा फ्यूचर वैल्यू आया अप्रोक्सीमेटली कुछ सेवन लैख सिक्सटी थाउजेंड मेरा प्रेजेंट वैल्यू था पांच लाख सॉरी ये हमने किया वन प्लस आर रेस्ट टू एन आर हमारा आया आर हमारा आया रेट ऑफ इंटरेस्ट एन हमारा आया नंबर ऑफ इयर्स एन आया हमारा नंबर ऑफ इयर्स ये अपने को पता है करेक्ट नौ no?

ये तो समझ गया फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर रेस्ट टू एन ये क्या था ये क्या था कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग फैक्टर सपोज उल्टा करना है क्योंकि अब जब मैं प्रोजेक्ट्स लाने वाला हूं तो मैं प्रोजेक्ट्स में क्या होगा पता है क्या दूर का जो मेरे को पैसा मिलने वाला है आज से दो साल बाद पांच साल बाद तुम लोग कभी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट लेने को जाना तुम लोग कभी किसी फाइनेंस मैनेजर को बुलाना वो आपको दस साल बाद आपको बीस लाख रुपए दे दूंगा तो दस साल बाद बीस लाख रुपए सुन के आपको लगेगा वाव ट्वेंटी लाख रुपीज आई एम गोइंग टू गेट बट दस साल बाद उस बीस लाख का वैल्यू आज क्या होगा ये भी तो पता करना जरूरी है बरकरदार एंड दैट इज वेर वी विल से कि कभी कभी हमारे को ये प्रेसेंट वैल्यू भी तो कैलकुलेट करना आना चाहिए विच इज गोइंग टू बी कैसे कैलकुलेट करोगे इट विल बी फ्यूचर वैल्यू अपॉन वन प्लस आर रेस टू एन कंपाउंड करने के लिए आपने मल्टीप्लाई किया फ्यूचर वैल्यू से प्रेसेंट वैल्यू पे जाने के लिए आपने डिवाइड किया ये जो आपने डिवाइड किया है दिस

मेरे पास यहाँ पे 76438 है मैं बोलता हूँ प्रेजेंट वैल्यू 1 r 0.15 रे टू 3 मुझे फाइंड आउट करना है ये प्रेजेंट वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं बोलूंगा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 76438 डिवाइड बाय 1.15 रे टू 3 मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया अब वन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन फाइव होता है जीरो पॉइंट एट सिक्स नाइन विच विल ऑलवेज बी लेस देन वन बिकॉज यू आर डिस्काउंटिंग आप फ्यूचर से प्रेजेंट पे लेकर आ रहे हो समझे डिस्काउंटिंग फैक्टर इज हेंस द नेम गिवन टू इट जेबात जेबात सो आप यहां पे क्या कर रहे हो गाइस आप यहां पे क्या कर रहे हो डिस्काउंटिंग कैसे वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन फाइव इक्वल टू पॉइंट एट सिक्स नाइन दैट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर विल ऑलवेज बी लेस देन वन तभी तो वो फ्यूचर की चीज को प्रेजेंट पे लेकर आएगी तभी तो वो फ्यूचर की चीज को प्रेजेंट पे लेकर आएगी अब आप वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन फाइव करोगे तो आप लोग को इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू आपको मिलेगा पॉइंट सिक्स फाइव सेवन फाइव तीन बार इक्वल टू किया सेवन सिक्सटी फोर थर्टी एट इन टू वन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन फाइव तीन बार करो मतलब 1 by 1 एक बार, इक बार इक्वल टू तो, दो बार इक्वल टू तो, तीन बार इक्वल टू तो, आपको मिलेगा पॉइंट सिक्स फाइव सेवन फाइव करो इससे मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट रुपीज फाइव लैक प्रेजेंट वैल्यू अच्छा एवरीबॉडी क्लियर किसी को कोई भी डाउट सो so, क्या कंक्लूजन निकला कंपाउंडिंग फैक्टर मोर देन वन डिस्काउंटिंग फैक्टर लेस देन ओके एग्जाम्पल पे जा रहा हूं मैं ठीक है ना रुकना नहीं है थकना नहीं है कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसाना है तो रुकना नहीं है थकना नहीं है अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं से प्रसेंट वैल्यू है वन लैख चलो फ्यूचर वैल्यू भी दे दिया आपको वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड चलो टाइम दे दिया आपको दो साल का आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो क्या आएगा चलो करें चलो, करें सो एफ वी इज इक्वल टू नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं एफ इज इक्वल टू पी वी वन प्लस आर रेस्ट टू एन फ्यूचर वैल्यू मुझे पता है वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता है वन लैख वन प्लस आर रेस टू च्यू बस हो गया काम वन प्लस आर रेस्ट टू च्यू इज इक्वल टू वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइड बाय वन लैख वन प्लस आर इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन फाइव इस स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो रूट में क्या बात है कितना आएगा तो फिर सो देर फर आर इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन फाइव का रूट है वन पॉइंट थ्री टू टू नाइन माइनस वन ये हो जाता है पॉइंट थ्री टू टू नाइन दैट इज थर्टी टू पॉइंट टू नाइन परसेंट क्या बात है क्या बात है समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं अपन लोग चीजों को फ्लो में जा रहा हूं फुल फ्लो में जा रहा हूं ठीक है पास लगे तो आप पॉज करके आराम से देख लेना फ्लो में हूं मैं कंटिन्यू करूंगा और चलूंगा मैं एग्जाम्पल नंबर टू के पास अपना कॉन्सिस्टम ये है एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को खींच के डिराइव कर लो फॉर्मूला क्या बोलते हो डन नेक्स्ट 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 वापस से मैं बोल रहा हूं सपोज प्रेजेंट वैल्यू है रूपीज वन लैख सपोज फ्यूचर वैल्यू है रूपीज वन फोर्टी सिक्स फोर वन जीरो ठीक है सपोज ड्यूरेशन है से पांच साल ठीक है आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अब आप कर पाओगे द आंसर इज यस बस अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा डर्टी पावर जो अगर आपको आता है तो ठीक नहीं आता है तो इट्स ओके वो मैं आपको बता दूंगा तो वी विल बी एबल टू डू इट सुनो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर रेस टू एन कर दूंगा मैं वन फोर्टी सिक्स फोर वन जीरो प्रेजेंट वैल्यू वन लैक वन प्लस आर नहीं पता रेस टू फाइव सॉल्व करेंगे इसको वन प्लस आर रेस टू फाइव इक्वल टू वन फोर्टी सिक्स फोर वन जीरो डिवाइड बाय वन लैक वन प्लस आर रेस टू फाइव इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर सिक्स फोर वन आर इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर सिक्स फोर वन रेस टू वन बाय फाइव माइनस अब बाकी सब तो ठीक है सर ये कैसे कैलकुलेट करें हमारे को साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है तो हम ये हमारे सिंपल कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करें वाह करना तो पड़ेगा समझ रहे हो क्या तुम लोग करना तो पड़ेगा ये मैथमेटिकली बताए ना वन प्लस आर रेस टू फाइव तो ये जब इधर जाएगा तो इट बिकम्स वन रेस टू फाइव ऐसे हो जाता है आर रेस टू फाइव जब कहीं और जाता है तो इट बिकम्स वन एक वन बाय फाइव डन सो अब बेसिकली इसको सॉल्व करना है अपने को गाइस Uh, इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एज डर्टी पावर टाइम वैल्यू समझने के लिए वो डर्टी पावर फ्रेंकली स्पीकिंग जरूरी नहीं है बट फिर भी फ्लो में हूं मैं आप लोगों को बता दूंगा मुझे कोई टेंशन नहीं है आओ बता देता हूं यस yes, तो तो गाइस ये मैं बता रहा था आप लोगों को जब ये यहां पे जाएगा तो ये वन बाय फाइव हो जाएगा नाउ सीधा ऊपर लोग लिखेंगे भाई टू सॉल्व सुनो ना टू सॉल्व अबाउ इक्वेशन देखो मैं फ्लो में जा रहा हूं फिलहाल लिखने के लिए आराम से तुम लोग को नोट्स वोट दूंगा अभी एक फ्लो में समझते जाओ मजा आएगा टू सॉल्व अबाउ इक्वेशन वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ डॉ टी पावर सो वन पॉइंट फोर सिक्स फोर वन रेस टू वन बाय फाइव अपने को कैलकुलेट करना है गाइस 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 यस सो so, आपको क्या करना है वो अब मैं आपको बताते जाऊंगा जस्ट फॉलो दैट पहला काम आपको करना है पहला काम आपको करना है क्या यू हैव टू फाइंड आउट द रूट यू हैव टू फाइंड आउट द रूट सो स्टेप वन रूट एक नहीं दो नहीं टेल्व टाइम्स करना है आपको ऑफ द नंबर जो नंबर यहां पे दिया हुआ है तो इसे वन पॉइंट फोर सिक्स फोर वन जीरो को मैं बारह बार रूट करूंगा वन पॉइंट फोर सिक्स फोर वन जीरो रूट ट्वेल्व टाइम्स डन स्टेप टू स्टेप टू माइनस वन स्टेप थ्री डिवाइड बाय फाइव स्टेप फोर प्लस वन स्टेप फाइव इन टू इज इक्वल टू एक नहीं दो नहीं ट्वेल्व टाइम सिक्स जो भी आया है माइनस वन करो करो ना ये डिवाइड बाय फाइव क्यों किया जो इधर है वो इधर आ जाएगा रेस्ट टू वन बाय थ्री होता तो डिवाइड बाय थ्री करते सो पहले रूट करो तो वन पॉइंट फोर सिक्स फोर वन जीरो बार बार रूट एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह जब आप करोगे तो इतना बड़ा नंबर आएगा कि मैं क्या ही इधर, ठीक है वन पॉइंट जीरो 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 नाइन फिक्स है ट्वेल्व टाइम्स फिक्स है थ्री जीरो एट जीरो सिक्स सेवन इसको माइनस वन किया फिर जो आया उसको डिवाइड बाय फाइव किया फिर जो आया उसको सॉरी प्लस वन किया इंटू इक्वल टू बारह बार किया माइनस वन किया आपको आ हाँ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सेवन नाइन टू थ्री समझे साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक झटके में आएगा बट जो है उससे काम चलाना पड़ेगा ठीक है सो so, अगर कभी फ्यूचर में आपको इसको बोलते हैं डर्टी पावर यूजिंग डर्टी पावर तो डर्टी पावर यूज करना हुआ तो उसके स्टेप्स क्या है जो भी नंबर दिया हुआ है उसको स्क्वायर रूट करो ट्वेल्व टाइम्स फिक्स है ये फिक्स ये जो स्टेप्स है वो फिक्स है फिर जो आया उसको माइनस वन करो फिर जो आया डिवाइड करो किससे वट एवर इज टू नंबर रेस्ड टू नंबर फिर प्लस वन करेंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स करेंगे माइनस वन करेंगे आंसर लिखेंगे ये फिक्सड है ये फिक्सड है ये फिक्सड है ये और एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो बारह की जगह पंद्रह करो और एग्जैक्ट आंसर चाहिए बीस करो ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर दे देगा विच इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इक्वल समझ में आई बात चलो अब ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट पड़ाव लास्ट स्टेप कंपाउंडिंग इफेक्ट अगर मंथ्स में हुआ तो जैसे हेडिंग so दे देता हूं कंपाउंडिंग इफेक्ट इन डिफरेंट ड्यूरेशन बोलो मंथस बोलो एक्सेट्रा बोलो चलो आओ सो so, एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं समझना इसको तो सपोज एग्जांपल लेते हैं एक फिक्स्ड डिपॉजिट का एग्जांपल लेते हैं एक फिक्स्ड डिपॉजिट का रुपीज वन लाख इंटरेस्ट एट द रेट ट्वेल्व परसेंट पर एन है ड्यूरेशन एटीन मंथस है ठीक है सो एक लाख का आपका फिक्स डिपॉजिट है अठारह महीने का ड्यूरेशन है अठारह महीने का ड्यूरेशन है सही सुना आपने कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ये प्रेजेंट वैल्यू है ये आपका है। ये आपका आपका प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू है है कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू बोलो कैसे कैलकुलेट करोगे कर पाओगे क्या अगर हाँ तो बताओ मुझे कैसे सो so, फॉर्मूला तो अपना क्लियर है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर रेस टू एन ठीक है ओके प्रेजेंट वैल्यू वन लैख वन प्लस आर कितना है जीरो पॉइंट वन टू रेस टू एन कितना है अठारह महीने अब ये ऐसे एटीन नहीं लिख सकता वो जो एन है ना एन वो नंबर ऑफ इयर्स है तो अठारह महीने इज इक्वल टू हाउ मेनी इयर्स

किसी भी चीज को आप डिवाइड बाय ट्वेल्व मंथ्स करेंगे तो आपको इयर्स में मिल जाएगा वन पॉइंट फाइव बोलो ना बोलते क्यों नहीं सो so, अब अपन बोलेंगे यहां पे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू वन लैख वन प्लस आर रेस्ट टू एन वन प्लस जो भी है पॉइंट वन टू To को अपन लोग ने बोल दिया वन पॉइंट फाइव बट ये तो डायरेक्टली थैंकफुल आगे अपने को पता था आज के बाद अपन करेंगे जो months दिया डिवाइड बाय ट क्या आपको ये बात समझ में आती है बस अब इसको सॉल्विंग पे सब नहीं कर रहा हूं मेन समझाना था मुझे ये वाली बात कि अगर प्योरली एक साल दो साल चार साल नहीं दिया है सो दिस इज वॉट यू विल डू कन्वर्ट इट इन टू समझे बोलो बोलो टेल, टेल, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे अपन लोग डर्टी पावर से वो सब ठीक है बट ये समझ में आया सपोज सपोज और एक एग्जांपल देता हूं अब आप लोगों को जवाब देने गाइस ठीक है कमेंट में आप लोगों को जवाब देना है देंगे ना चलो देखते सपोज यहां पे मैंने लिख दिया ये क्वेश्चन ड्यूरेशन चेंज कर दिया थर्टी मंथ क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला गाइस फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेसेंट वैल्यू वन प्लस आर रेस टू एन बाकी सब ठीक वन प्लस आर जीरो पॉइंट वन टू अब आप क्या करोगे थर्टी डिवाइड बाय ट्वेल्व मंथ अगर एग्जैक्ट ईयर में मंथ्स नहीं बैठ रहा है तो डिवाइड बाय ट्वेल्व कर लेंगे समझ में आया गाइस बोलो रे डन ये वाली चीज भी समझ में आ गई यस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं आप लोग बता रहा हूं मैं आपको हाँ यस क्लियर डन सर डन तो होता थर्टी डिवाइड बाय ट्वेल्व टू एंड हाफ मंथ टू एंड हाफ ईयर है जो मैं लॉजिकली भी सोच के कर सकता हूं बट हर बार थर्टी मंथ्स नहीं दिया ना थर्टी थ्री मंथ दिया है तो डिवाइड बाई ट्वेल कर दो यार में आ गया अपना इधर सिस्टम सेट हुआ बापू सिस्टम सेट है नो नेक्स्ट आओ नेक्स्ट अब मैं आप लोग को जो दे रहा हूं ना अब मैं जो आप लोगों को चीज सिखा रहा हूं उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर भाई साहब इसको फॉलो कर दो सब चीज आपकी समझ लो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी ठीक है मतलब मैं तो इसको लॉजिकली करवाता हूं आ, बट फिर भी किसी को ऐसे करना है तो वो ये कर सकता है यूज किसी को ऐसे करना है तो वो ये यूज कर सकता है इधर तक सब लोग को क्लियर है गाइस डन मजा आया चलो अब मैं आप लोगों को जो करवाने वाला हूं दैट इज द लास्ट थिंग उसके बाद कोई भी दुनिया का प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू आपको पहुंचने में कोई टेंशन नहीं है कंपाउंडिंग फैक्टर क्या है समझ चुके हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या आप समझ चुके हैं रिवर्स है? आना है आपको कैसे करना है आप कर सकते हो अब मैं आप लोग को जो चीज बता रहा हूं दैट्स द लास्ट थिंग ध्यान देना बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिए मैंने सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है ट्वेल्व परसेंट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर वन ईयर अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो इसका मतलब क्या है पता है क्या वन प्लस वन प्लस आर करते अपन जीरो पॉइंट वन टू फॉर वन ईयर तो आप हम लोग कर देते हैं वन बट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे कंपाउंडेड एनुअली अगर ये कंपाउंडेड एनुअली है मतलब साल में एक ही बार कंपाउंड हो रहा है मतलब एक ही बार कंपाउंड हो रहा है तो डिवाइड बाय वन किया जो आपको रियलाइज भी नहीं होगा सेकेंड वाला जब मैं एग्जाम्पल दूंगा ना तब आपकी बत्ती चमकेगी तब आपकी बत्ती चमकेगी क्या आ जाओ ट्वेल्व परसेंट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं वर्ड यूज कर रहा हूं अब मैं सेमी एनुअली फॉर सेम वन ईयर सुनो अभी एक मिनट वन प्लस जीरो पॉइंट वन टू ये जो वन ईयर है ना ये इधर वन ही रहेगा बट अब कंपाउंडेड सेमी एनुअली है मतलब साल में कितनी बार दो बार मतलब ये जो 12 परसेंट है ना वो पूरे साल का है तो अगर मैं उसको साल में दो बार देने वाला रहूंगा तो कहना इसे अभी छह परसेंट दूंगा फिर छह परसेंट दूंगा सो यहां पे सेमी एनुअली करते हो ना तब ये हो जाता है डिवाइड बाय टू तो बेसिकली सिक्स परसेंट आपको मिल रहा है तो छ महीने बाद वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फिर छह महीने बाद जीरो और उसका वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फिर और आगे मिलते जाएगा समझे क्या ट्वेल्व परसेंट पर एनम बट कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो छह परसेंट के हिसाब से कंपाउंडिंग होते जा रहा है समझे सो सेमी है इसलिए डिवाइड बाय टू और बता दो और बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास कोई कमी नहीं है इसका एक मैकेनिकल वे भी है जो मैं नहीं करवाता हूं मैं लॉजिकली करवाता हूं मैकेनिकल वे चाहिए तो लास्ट में एक बार बता दूंगा सुनो इधर ट्वेल्व परसेंट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर वन ईयर वही रहेगा वन प्लस जीरो पॉइंट वन टू वन प्लस जीरो पॉइंट वन टू क्वार्टरली फॉर वन ईयर तो अब अगर मेरा ये वन ईयर है तो यहां पे तो ये वन जो है वो वही रहना है इसमें कोई टेंशन नहीं है बट ध्यान रखना अब ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है अगर ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो क्या यहां हो जाएगा यहाँ पे एनी आइडिया एनी बॉडी एनी आइडिया एनी बॉडी क्वार्टरली है सो so, एक क्वार्टर में तीन महीने होते हैं गाइस तो ऐसे कितने क्वार्टर्स हुए आर अब सुनो क्या होगा पे लास्ट वाला चीज में भी कनेक्ट करना है अभी भी कनेक्ट करना है अब समझेगा तुमको अब होगा क्या 12 परसेंट पूरे साल में देना है बट कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब तीन महीने बाद इंटरेस्ट तीन महीने बाद इंटरेस्ट तीन महीने बाद इंटरेस्ट तीन महीने बाद इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट पूरे साल का 12 परसेंट है तो अगर साल में चार बार देना है तो 12 डिवाइड बाय फोर तीन परसेंट तो डिवाइड बाय फोर क्या तो तीन परसेंट अब साल में चार बार देना है तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय फोर करना पड़ेगा तो सर लास्ट वाले में भी तो दो बार देना है तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय टू करना पड़ेगा से? Yes. मैं वेट कर रहा था कोई पूछे मुझे ये चीज आपने नहीं पूछा कोई बात नहीं तो साल में दो बार कितना साल में दो बार बट तो कितना छह परसेंट डिवाइड बाय टू साल में बार, कितना? जब तक दिमाग में सेट नहीं हो जाता करवाते रहूंगा करवाते हाँ हा, मतलब इफेक्टिवली ये हो गया वन प्लस पॉइंट वन टू डि फोर पॉइंट जीरो थ्री रेस टू फोर वन पॉइंट जीरो थ्री रेस टू फोर फोर्थ फोर्थ पे आ जाओ फोर्थ पे आ जाओ ट्वेल्व परसेंट पर एनम कंपाउंडेड मंथली फॉर वन ट्राई, ट्राई, करो कमेंट में आंसर कम वन प्लस ट्वेल्व परसेंट तो जीरो पॉइंट वन टू फॉर वन ईयर तो वन पर मंथली है तो साल में कितनी बार होगा बारह बार बारह बार yes. हाँ यस yes, यही चीज इधर जा रही है बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकली समझो बारह बार होगा तो इसलिए डिवाइड बाय बाई लॉजिकली समझो सेमी एनुअली साल में दो बार होगा डिवाइड बाई क्वार्टरली, चार बार होगा डिवाइड बाई कट 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 कट, कट, कच इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वन पॉइंट जीरो वन और अरे बहुत है बहुत एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है हमारे जब तक दिमाग में आप बिठा नहीं दोगे बोल नहीं दोगे सर एकदम समझ गया तब तक हम करते रहेंगे डोन्ट ट्वेल्व परसेंट पर एनम अब गेम बदलेगा कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर थ्री इयर्स फॉर थ्री इयर्स वन प्लस जीरो पॉइंट वन टू तो है ही थ्री इयर्स रेस टू थ्री तो है ही कंपाउंडेड क्वार्टरली डिवाइड बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर अब समझ रहे हैं आप लोग गाइस देखो ये इयर्स में होना चाहिए तो ये हमने इयर्स में लिख दिया हो गया थ्री डिवाइड बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर तीन साल तक हर क्वार्टर में तो ट्वेल्व डिवाइड बाई फोर तीन टका हर क्वार्टर में तीन टका कितनी बार थ्री इंटू ट्वेल्व बारह बार तक ट्वेल्व इंटू थ्री टोटल थर्टी सिक्स जो मंथ्स है कवर हो गए चल समझ गए थ्री इयर्स तक चार चार महीने में टोटल बारह बार कितना तीन टका पॉइंट वन टू डिवाइड बाय इसको सॉल्व करोगे तो वन पॉइंट पॉइंट वन टू बाय फोर हो जाएगा जीरो थ्री टू ट्वेल्व और एक आओ, आओ, आओ अब तुम लोगों को पूरा आंसर देना है ये हाईएस्ट लेवल पे जा रहा हूं मैं ट्वेल्व परसेंटम कंपाउंडेड मंथली फॉर एटीन मंथ कर तो अगेन वन प्लस जीरो पॉइंट वन टू पर एनम कंपाउंडेड मंथली डिवाइड बाय ट्वेल्व सुनो सर अच्छा चलो ये भी मैं हटा देता हूं ट्वेल्व परसेंट पर एनम ये लिख दिया फॉर एटीन मंथ्स एटीन मंथ्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एटीन डिवाइड बाय ट्वेल्व अब ले लो ये मंथली डिवाइड बाय ट्वेल्व करेक्ट मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व समझ गए तुम लोग पहले फॉर तो पहले वो कर लो पूरा ट्वेल्व परसेंट फॉर एटीन मंथ कर लो लोन फिर डिवाइड बाय डिवाइड बाय ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व ये जो मंथली का पार्ट है ये जो टन 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 क्लियर अब दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल दू तुम लोग कर लोगे दू क्या चलो देता हूं कैसा लगा बताना मुझे सेशन काइंड ऑफ रिकैप होगा होगा ये किया ही बचपन में कभी ना कभी बट आज तुम लोग को मैं नेक्स्ट लेवल पे ले गया हूँ बता रहा हूं बाकी कैलकुलेटर ट्रिक्स जो है ना उसका अलग से वीडियो है वो देख लेना तो वो वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन टू और वो सब कैसे करते हैं उससे समझ जाएगा आपको बट यहां पे आपके बेस कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया आ जाओ आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट सेवेंथ अब मैं नहीं देने वाला हूं कुछ भी हिंट ट्वेल्व परसेंट पर एनम कंपाउंडेड बॉस बड़े लेवल के सी एफ ओ बनोगे ना तभी भी ये काम आएगा हां बता रहा हूं मैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर थर्टी मंथ देखो वन प्लस जीरो पॉइंट वन टू सेमी एनुअली फॉर थर्टी मंथ तो फॉर थर्टी मंथस है थर्टी एनुअली क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय टू सॉरी टू हो गया हो गया तो वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स रेस टू टू वन झार टू सिक्स डिवाइड इट इज अपने पास कोई कमी नहीं है ट्वेल्व परसेंट पर एनम कंपाउंडेड मंथली बट फॉर सिक्स मंथ वन प्लस जीरो पॉइंट वन टू सिक्स मंथ्स सिक्स डिवाइड बाय ट्वेल्व मंथली डिवाइड बाय ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व ये हो जाता है वन पॉइंट जीरो वन टू सिक्स विद दिस आई रेस्ट माय केस कर सकता हूं ऐसा ट्वेल्व परसेंट पर एनम कंपाउंडेड लो डेली फॉर वन ईयर डेली मतलब एवरी डे हो रहा है सब so देखो इसमें कैसे करोगे वन प्लस जीरो पॉइंट वन टू रेस टू कंपाउंडेड अभी डेली है फॉर वन ईयर तो रेस टू वन रहेगा बट यहां पे डेली है ना डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव इन टू थ्री सिक्सटी फाइव ऐसा भी होता है यस ट्रेजरी मार्केट में ये होता है ट्रेजरी मार्केट क्या है वो सब तुम सीखोगे आगे लाइफ में मैं बताऊंगा मैं सिखाऊंगा. बट दैट्स हाउ इट वर्क समझे क्या बोलो बोलो टेल टेल टन अब तुम्हारे को किसी भी तरह का कैसा भी कंपाउंडिंग आने दो तुम लोग उसको सॉल्व कर लोगे कुछ लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं मेरी को नहीं जमता है बट मैं बता दैट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर रेस टू टी तो अपन लोग ने किया ही है मल्टीप्लाई रेस टू एन तो अपन लोग ने किया ही है मल्टीप्लाई बाय टी बाय टी भाई कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है टी इज नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग लो ये भी तुम्हारे लिए लिखवा दी नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग सो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे जाना है या प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे आना है क्लियर है फॉर्मूलाज क्या करोगे सिंपल एक ही फॉर्मूला है दुनिया में प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू जाने का ये रहा वो तो देखो मैंने एक ही जगह पे तुम लोगों को लिखवाया था तो मैं बता देता हूं ये रहा बस और कोई जरिया नहीं है तो कभी आपको बोले कि भाई मैं है ना दस साल बाद तेरे को दस लाख दूंगा तो सुनो ध्यान से वो बेसिकली आपको क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से सी, सी, सी. फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर रेस टू एन आपको कोई बोले मैं ना तेरे को दस साल बाद दस लाख रुपया दूंगा तो बेसिकली वो दस साल बाद दस लाख रुपया देने वाला है तो दस साल बाद दस लाख देने वाला है तो फ्यूचर वैल्यू हुआ प्रेजेंट वैल्यू मुझे उसका नहीं पता है वन प्लस आज का तारीख में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है से जीरो पॉइंट वन कब देगा वो दस साल बाद तो अपन बोलेंगे भाई इसका आज का वैल्यू है दस लाख डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इधर का इधर ही है इधर आ जाएगा तो वन पॉइंट वन रेस टू टेन आपको है ये दस लाख जो दस साल बाद मिलने वाला है अगर टेन परसेंट का एक डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटरेस्ट रेट लेके चले तो वन डिवाइड वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ये आता है दस लाख मल्टीप्लाई बाय पॉइंट थ्री एट फाइव इक्वल टू थ्री लैक एटी फाइव थाउजेंड जो चीज आपको वो दस साल बाद दस लाख देने वाला है ना आज उसका वैल्यू खाली चार लाख रुपए है आए बड़े <laughs> समझे अभी इसमें बहुत सारी चीजें और भी होती है जो आगे के लेक्चर्स में आपको पता चलेगी जो मैं आपको सिखाते जाऊंगा आगे के लेक्चर्स में बट इधर तक आपको क्या चीजें समझ में आई समझू एवरीबॉडी बोलो बोलो टेल टेल। टन टहल टाटन चलो तो फॉर्मूलाज ये चीजें सब लिखवा दिए टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा नोट्स तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा एंड यस फिक्स गुड चलो बाय टाइम फॉर वीडियो से आस्थाला वेस्टा डू शेयर इन द कमेंट्स हाउ वाज इट और सेशंस और चीजें चाहिए और नेक्स्ट लेवल पे जाना है आने वाले सेशंस में वो सब चीजें भी होती जाएंगी बट ये बेस मेरे को क्लियर करना था रिलेटिंग टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्योंकि आप आज नहीं तो कल इंटर के हो फाइनल के हो सी इंटर के हो आप या फाइनल के हो आप आप जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे सीए के हो आप सीडब्ल्यूए के हो आप आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो करना ही करना है एंड दैट इज व्हाट माय इंटेंशन वाज टू गेट इट डन टुडे इन योर हेड मम्मी से स्टार्ट किया था सीखते सीखते चावल पे गए चावल से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड देन डर्टी पावर पे गए एंड देन कंपाउंडिंग पे गए वाओ व्हाट ए सेशन मजा आ गया आई होप आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो गई होगी एंड डन टाइम फॉर मीडियो से आस्था लबिस्ता टेक केयर कीप स्मिंग एंड डू शेयर एंड लाइक इफ यू लाइक इट